तो दोस्तों, कैसे हैं आप? सिद्दीकी फूड्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या सिखाने वाले हैं आपको, ये बताएंगी मम्मी। छोले बनाने जा रहे हैं, मटर के छोले। तो दोस्तों, आज हम लोग सिखाने वाले हैं आपको मटर के छोले बनाने के लिए। तो हम इसे कैसे करते हैं, अब इसको बॉईल करने के लिए रख रहे हैं। तो जो ये मटर है उसको ओवरनाइट भिगा लिया था हम लोगों ने। लिया है 1 कप मटर, उसको ओवरनाइट भिगाया था जिससे ये थोड़े से फूल जाएं, क्योंकि जल्दी गल जाते हैं इसलिए। रेसिपीज में दोस्तों, आपको रोज नई तरह की रेसिपीज मिलेंगी, कुछ अच्छी, कुछ मजेदार, कुछ चटपटी, और एकदम ये डाइट फ्री छोले होने वाले हैं। तो आप तो देखनी है पूरी वीडियो और छोले की रेसिपीज देखनी अच्छी तरीके से। अभी 1 चम्मच नमक डाला है। जी हाँ, तो 1 चम्मच नमक डालना है और तकरीबन 1 मग पानी यूज किया है हमने 1 कप मटर में जो ओवरनाइट भिगा के रख दिए थे। आधा चम्मच हल्दी, चम्मच अजवाइन। जी, अजवाइन डाल देनी है आपको 1/4 चम्मच। ये देखिए अजवाइन कैसे तैर रहे हैं। ये जो उबालने का प्रोसीजर है दोस्तों, इसको आपको खासा फॉलो करना है, क्योंकि हर किसी का थोड़ा सा अलग प्रोसीजर होता है। और इसके अंदर और क्या जाने वाला है मम्मी? बस अब उबल नमक और ये डाल दिया, अभी तो उबलने रख रहा है ना। तो जब तक हम इसे उबलने रखते हैं, तो आपको कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक फटाफट, और दोस्तों से शेयर करो यार, थोड़े फॉलोवर वगैरह बढ़ाओ और बेल बटन दबाना मत भूलो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे मटर एकदम गल चुके हैं। और मम्मा, हम लोगों ने इसके अंदर कितनी सीटी लगाई थी? 4-5 सीटियाँ। जी हाँ, 4-5 सीटियाँ लगानी पड़ेंगी इसको गलाने के लिए। थोड़ी सी गलने में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन बनते बहुत ही टेस्टी है। गल गए ना पूरे? ये देखिए पूरे गल चुके हैं, मम्मा आपको दिखा रही है। ये देखिए, अब हम लोगों ने इसे बाउल में डाल दिया है। अब इसके बाद नो मोर कुकिंग। जस्ट बाउल में डाला है और इसके साथ जाने वाले हैं इंग्रेडिएंट जो एकदम फ्रेश हैं और चॉप्ड हैं। ऐसे कैसे जाएंगे? प्याज, अदरक थोड़ा सा। कितनी प्याज ले ली मैम हम लोगों ने? 1 बड़ी गांठ। 1 बड़ी गांठ को चॉप कर लिया है अच्छी तरीके से। थोड़ी सी अदरक। जी, ये भी अदरक भी चॉप कर लिया है। और ये 10 छोटी छोटी मिर्चें हैं। जी हाँ, छोटी और थोड़ी थोड़ी तीखी तीखी मिर्चें हैं, खाने में स्वाद बढ़ा देती हैं ये एकदम। और ये हरा धनिया। और ये जी हरा धनिया। और दोस्तों, आपको इसको अच्छी तरीके से देखिए, आप देख रहे होंगे इसके अंदर एकदम, अभी तक हमने कोई ऑयल यूज नहीं हुआ है, एकदम डाइट फ्री टाइप का है ये छोले, और खाने में लगते हैं बहुत ही ज्यादा मजेदार। और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा जाएगा इसमें, आधा चम्मच। नमक पहले सफेद डाल चुके हैं, अब ये काला नमक थोड़ा सा डालना है। जी हाँ, काला नमक, पिंक सॉल्ट भी इसका नाम रख सकते हैं आप लोग। कितना सुंदर पिंक सा कलर आता है इसके अंदर, प्याजू टाइप का। चाट मसाला 1 चम्मच। चाट मसाला 1 चम्मच, वाह। दोस्तों, माना कि रोज़ा है मेरा, लेकिन मुंह में आ चुका है पानी, क्या ही करें, इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार है कि मुंह का पानी कंट्रोल नहीं हो पाया। आधा चम्मच। जी हाँ, आप चाहें तो लाल मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा ना पसंद हो, या फिर आपको ज़्यादा आप चाह रहे हो कि हम थोड़ा सा लाइट मिर्चों वाला खाएं, तो आप रेड चिली पाउडर अवॉइड भी कर सकते हैं। तुम थोड़ा सा अमचूर और डाल लो। जी हाँ, थोड़ा सा लास्ट में बस अमचूर और जा रहा है, इसके बाद बन के तैयार हो जाएंगे हमारे मटर मौन। ये तैयार। जी हाँ, तो देखा आपने, झटपट, एकदम झटपट हमारे मटर बनकर तैयार हो गए हैं। लास्टली अमचूर डाल दिया है इसके अंदर, थोड़ी सी हल्की। हो तो नींबू डाल दो उसकी जगह। नींबू हो तो नींबू डाल। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हमारा सब्सक्राइब करिए चैनल, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या ही बात है, आज तो मम्मी ने भी बोल दिया है। तो दोस्तों, आपका लाइक शेयर करना बनता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत और लजीज बन गए हमारे छोले, झट से तैयार।
ढक के रख दो। शब खैर, अल्लाह। हम लोग अपनी रमजान स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उसको एक्सेस करिए और आपको सारी रमजान में इफ्तार में बनाई जाने वाली डिशेस सारी की सारी वही मिलेंगी। तो फॉलो करिए हमारे प्लेलिस्ट को, जल्दी से एक्सेस कर लीजिए और देखिए, मजा लीजिए रमजान की डिशेस का।